बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल राज दुनिया में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं का पैसा यहाँ पे कब से यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया गया है, जो 2022 में पास किया है, तो उसका ऑनलाइन आवेदन कब से होगा और कितना यहाँ पे रुपया मिलने वाला है और कब से मिलने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी को इस वीडियो में बने रहना है, वीडियो को लेना है। जैसे कि देख सकते हैं मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी 2022 के लिए नहीं जारी किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लिंक कोई एक्टिवेट नहीं किया है। तो कब से आपके यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा 2022 वाले को लिए और कितना रुपया मिलेगा हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं वित्तीय विभाग से राशि जारी करने का आग्रह, अक्टूबर अंत तक 4 लाख छात्राओं का छात्रवृत्ति। तो ये 4 लाख छात्रा सिर्फ पटना डिस्ट्रिक्ट का है, यहां पे आप देख सकते हैं छात्राओं का यहां पे देख सकते हैं, तो पटना डिस्ट्रिक्ट का है, ये नहीं कि समझिए कि सिर्फ 4 लाख को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं के खाते में 25,000 रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि अक्टूबर के अंत तक यहाँ पे दी जाएगी। तो पहले होता था ना यहाँ पे 10,000 करके मिला करता था, लेकिन अब जो है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब चुनाव से पहले यहाँ पे घोषणा किया हुआ था, तो 25,000 रुपया इस साल से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 2022 में कला वाणिज्य और साइंस संकाय में कुल 5,25,877 यहाँ पे छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सिर्फ अविवाहित छात्राओं को ही प्रोत्साहन राशि देने का यहाँ पे प्रावधान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि तो शिक्षा विभाग वित्त विभाग प्रोत्साहन राशि जारी करने का प्रस्ताव भेज दिया है और वित्त विभाग इस माह के अंत तक राशि की स्वीकृति मिलते ही राशि बिहार बोर्ड को भेज दी जाएगी और बिहार विद्यालय पूजा समिति के माध्यम से छात्राओं के खाते में प्रोत्साहन राशि यहां पे दी जाएगी। इंटरमीडिएट छात्रों को प्रोत्साहन राशि के लगभग 1,000 करोड़ से अधिक आवश्यकता होगी। सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से इंटर पास छात्राओं को 10 के बदले 25,000 देने की घोषणा की थी। तो हम आपको देख सकते हैं जो कि हमारे पहले भी आपको बता दिया, तो बहुत ही जल्द यहाँ पे आवेदन का यहाँ पे घोषणा होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा, उसके बाद आपको इतना रुपया आपको मिलेगा। तो स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए 35 करोड़ का प्रस्ताव, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 35 करोड़ की राशि निकासी का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाला है आप सभी का पैसा। तो आप इसी वेबसाइट के माध्यम से ही आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन कब से कब तक यहां पे लिया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यहां पे 2021 के लिए आवेदन करते हैं, इसी तरीके से 2022 का लिंक यहां पे एक्टिवेट होगा, तब आप आवेदन होगा, उसके बाद आपका पैसा आपके खाते में आएगा। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।